मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके बावजूद भी देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की जरूरत पड़ी, सामाजिक सुधारकों की जरूरत पड़ी, तो उसका दूसरा पहलू यह भी है कि मनुष्य एक बहुत असामाजिक प्राणी भी है और इसीलिए समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न समाज सुधारकों ने अपनी जिंदगी समाज के नाव नेछावर कर दिया। शुरू करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित आज का ये सेशन और इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे प्रज्ञा का चांद किस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी जिसने उस समय के व्याप्त बुराइयों पर कठोर प्रहार किया था। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिटेन में कहां पर स्थित है? राजा राम मोहन राय जिनको कि भारत में सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है, किस ब्रिटिश सम्राट के दरबार में राजा राम मोहन राय उपस्थित हुए थे, जैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जनक अगर जो है पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, धार्मिक सामाजिक आंदोलन के जनक। जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय। या इनके बारे में आपसे जो है कहा जाता है कि अतीत अतीत और भविष्य का सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा गया? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया। या फिर नौ दिन का प्रातः तारा किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। आधुनिक भारत का पिता किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। भारत के पुनर्जागरण काल का पिता किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। या भारत में आधुनिकता का देवदूत किसको कहा गया? ये सभी संज्ञाएं, ये सभी जो है स्टेटमेंट राजा राम मोहन राय के संदर्भ में ही कहा गया है। राजा राम मोहन राय जिनके जन्म के बारे में बताया गया कि 22 मई 1772 को इनका जन्म जो है हुआ था, कहां पर? तो आप कहेंगे कि इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ था। कहां पर? बंगाल में हुआ। इनके पिता का नाम था रामाकांत राय। क्या नाम था? रामाकांत राय। पिता का नाम जो है रामाकांत राय और माता का नाम जो है इनका तारणी था। और इन्हें राय राया के उपनाम से भी जो है जाना जाता है, हालांकि इनको ये उपाधि मिली थी, इनको राय राया के उपनाम से जाना जाता है। और राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, फ्रेंच, हिब्रू सहित कितनी भाषाओं के जो है ज्ञाता थे? एक दर्जन, यानी 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन? राजा। राजा भी थे, राम भी थे, मोहन भी थे, और बताने की जरूरत ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी, दरअसल राजा राम मोहन राय के जो पिताजी थे, राजा राम मोहन राय के पिताजी उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनकी जब मौत हो गई तो इनको अनुकंपा नौकरी मिली थी, पिताजी की नौकरी मिली थी। हालांकि वर्ष 1803 से लेकर के और 1814 तक जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद से जो है अपने करियर की जो है शुरुआत की। और जॉन डिग्बी आदमी का नाम है, जॉन डिग्बी के जो है ये दीवान तक जो है पहुंचे, लेकिन उसके बाद इन सब चीज़ों में इनका मन नहीं लगा तो इन्होंने त्याग पत्र दे करके। और सही तो ये था कि पिताजी का रामाकांत राय जो इनके पिताजी थे उनसे इनके कुछ जो है वैचारिक मतभेद पहले से ही थे, क्योंकि इनके पिताजी विशुद्ध रूप से हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, जबकि कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे जिनका नाम था जगमोहन राय। जगमोहन राय का चेचक के वजह से जब मौत हो गई तो उन दिनों की परंपराओं के अनुसार
राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी जिनका नाम था अलका मंजरी, जिनके बारे में कहा गया कि वो अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी और उन दिनों की जो है प्रथा के अनुसार उन्होंने सती प्रथा का जो है निर्वहन किया। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, जबकि इनके पिताजी सती प्रथा के जो है पक्ष में थे और पिताजी से वैचारिक मतभेद जो है वहीं से इनका जो है शुरू हुआ था। बहरहाल भारत की धरती से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत से शासकों ने प्रयास किया, लेकिन बहुत से समाज सुधारकों ने प्रयास किया, लेकिन सफलता मिली जिस महापुरुष को, उनको दुनिया, मैंने बताया ना, राजा राम मोहन राय के नाम से जो है जानती है। राजा राम मोहन राय जिनके बारे में कहा गया कि साहित्य और पत्रकारिता के जो है क्षेत्र में इनका जो योगदान था, तुहफात उल मुवाहिदीन, ये फारसी भाषा में भारत में लिखी गई पहली पुस्तक थी किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा। किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा भारत में फारसी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक थी, फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक थी। और किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा। और राजा राम मोहन राय ने इसी पुस्तक में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और इस्लाम धर्म में व्याप्त जो एकेश्वरवाद की उस समय परंपरा थी, राजा राम मोहन राय ने उसका गुणगान किया, महिमा मंडन किया। तो जाहिर सी बात थी ये हिंदू धर्म के कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। इनके परिवार के लोग भी जो है इनको पसंद नहीं करने लगे थे। और आप जिंदगी में जब कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो दूर को छोड़ दो, घर वाले उसका विरोध सबसे पहले करते हैं। आखिरकार तोहफात उल मुआहुद्दीन इनकी जो फारसी भाषा में जो है ये पुस्तक थी, इस पुस्तक में जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। क्या किया था? मूर्ति पूजा का खंडन किया, जबकि जो है फारसी भाषा में ये लिखी गई पुस्तक इस्लाम धर्म में ऑलरेडी वहां पर मूर्ति पूजा जैसी कोई बात है ही नहीं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो 1820 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अब भी वहां की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है इसको पढ़ाया जाता है। जबकि द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक भी लिखा था किसने? राजा राम मोहन राय ने। अंग्रेजी भाषा में इनकी लिखी गई ये पहली पुस्तक थी और ये पहली पुस्तक जॉन डिग्बी के प्रयासों से इसे लंदन में प्रकाशित कराया गया था। वहां के जो है पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस, उसमें भी इसको सम्मिलित किया गया। संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चाद 1821 में यह बांग्ला भाषा में, जिसमें बांग्ला भाषा की जो है ये पत्रिकाएं थी, मैगजीन थी। और सबसे ज्यादा जो है चर्चा में रही संवाद कौमुदी जो है इसलिए चर्चा में रही कि सती प्रथा का विरोध जो है सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के द्वारा ही शुरू किया था। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में भारत में जारी किया गया यह पहला अखबार था। कौन सा? मिरात उल फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। और किसके द्वारा जारी किया गया था? जाहिर सी बात है राजा राम मोहन राय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इन्होंने इस्लाम धर्म की अच्छाइयों का वर्णन किया। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस में इन्होंने ईसाई धर्म की अच्छाइयों का जो है वर्णन किया। उसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार का जो नियम नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में हिंदू धर्म के कुछ रूढ़िवादिताओं का इन्होंने खंडन किया, जिसमें पिता की संपत्ति में बेटी को भी अधिकार होना चाहिए। सती प्रथा जैसे कुप्रथा का जो है समाप्त उन्मूलन होना चाहिए। पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, जो उन दिनों अब पूजा पाठ कराने वाले लोगों ने इसको धंधा बना रखा था, इसका भी समापन होना चाहिए। जैसे तथ्यों पर इन्होंने जब प्रहार किया तो ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये अच्छे थे, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये बुरे बन गए।
बहरहाल वेद मंदिर नामक समाचार पत्र जो है इन्होंने जारी किया, और वेद मंदिर नामक समाचार पत्र के माध्यम से हिंदू धर्म के वेदों में दी गई जो है तार्किक और वैज्ञानिक सत्य पर आधारित तथ्यों का इन्होंने महिमा मंडन किया था। किसने? जी हाँ, राजा राम मोहन राय ने। आपके काम की चीज चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इन पुस्तकों को जो है अमूमन आपसे जो है पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित संस्थाएं, आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में किया था। इनकी कर्म भूमि जो है कलकत्ता रही, बताने की जरूरत नहीं। और आत्मीय सभा का संबंध जो है हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और अच्छाइयों को स्वीकार करने से था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा जो है कहां पर किया गया? तो कलकत्ता में ही किया गया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो कि ईसाई धर्म से जो है संबंधित थी, ईसाई धर्म से संबंधित थी, और इसकी भी स्थापना इन्होंने किया कहां पर? कलकत्ता में। और सबसे अधिक जो आप लोगों से जो है पूछा जाता है ब्रह्म समाज, जो कि ये गलत टाइप हुआ है, 20 अगस्त 1828 को जो है स्थापित किया गया कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश के सहयोग से इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इस ब्रह्म समाज में इन्होंने ब्रह्मा की शक्ति को जो है एक ईश्वरवाद का जो है सिद्धांत दिया था कि हिंदू धर्म में भी एक ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। इनका भी मानना था कि यह ब्रह्मांड ब्रह्मा के अंगों से बना है, और अगर सभी देवी देवता या फिर जो है जितने भी जीव सजीव निर्जीव सबकी अगर उत्पत्ति ब्रह्मा के जो है अंगों से हुई, ब्रह्मा से हुई, तो एक देव ब्रह्मदेव इनका नारा था। क्या? एक देव ब्रह्मदेव, यानी ब्रह्म जो है ब्रह्म समाज में इन्होंने एक ईश्वरवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया था? एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर और कौन सा? ब्रह्मा। इन्होंने पुरोहितवाद का खंडन किया, पुरोहितवाद या कह लो कि ब्राह्मणवाद का जो है खंडन किया। ब्राह्मणवाद का मतलब कि उन दिनों जो जजमानी चलती थी, जैसे किसी के घर में, इन्होंने खुद संवाद कौमुदी नामक पत्रिका में जो है इस बात का वर्णन किया। वो उन दिनों वो दौर था जब प्लेग से व्यापक पैमाने पर लोगों की मौत होती थी, तो ये उस पर इन्होंने प्रहार किया कि ये कितना हृदय विदारक है कि किसी के घर में एक ही दिन चार चार पांच पांच लाशें जो है उठती हैं, और कुछ लोगों को तर्पण के नाम पर जो है वहां पर भी जो है पैसे की जरूरत होती है। उनके घर में तेरहवीं होनी चाहिए, तेरहवीं होगी, ब्राह्मण लोग और जो है आसपास के और भी लोगों को बुला करके जब तक वो भोजन न कराए तब तक उन लोगों की आत्मा को जो है शांति नहीं मिलेगी। इन सब के चक्कर में बेचारे उसकी खुद की ही जो है आत्मा अशांत हो जाती है। तो इन सब तथ्यों पर उस समय उन्होंने प्रहार किया। आज भी जो है जहां तहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो है राज्यों में आपने देखा कि जो मृत्यु भोज जिसका नाम कहीं कहीं तेरहवीं कहा गया उसका जो है बहिष्कार किया जा रहा है, और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा होना चाहिए। इंसान को इतना मतलबी नहीं बन जाना चाहिए कि किसी की मृत्यु पर दिखाने के लिए जो है अभी रो रहे थे और चार दिन बाद उसकी तेरहवीं में गरम गरम पूड़ी मांग रहे थे, तो इतना अवसरवादी नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मणवाद का इन्होंने जो है विरोध किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अगर है तो जो है किसी की जरूरत नहीं है। आप अरबी अंगला बंगला कोई भी भाषा अगर जो है बोलते हैं, आप अनपढ़ गवार हैं तब भी बस शुद्ध मन से अगर जो है अपने इष्ट को याद करते हैं तो वो आपकी भाषा जो है वो सुनेगा और जो है समझेगा। किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है कि पंडित जी को बुला करके और जो है हवन कराएंगे, पूजा करवाएंगे, तभी जो है भगवान खुश होंगे। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे। तो जाहिर सी बात थी उस समय का जो ब्राह्मण वर्ग था, उच्च वर्ग था, उनके ये निशाने पर आ गए थे और इनका बहिष्कार भी किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। एकेश्वरवाद, ब्राह्मणवाद, एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, बहुदेववाद
कौन सा? बहुदेववाद, यानी जो कि हमारे वेदों में लिखा गया कि हिंदू धर्म में कुल 36 कोटि देवता हैं, 36 प्रकार के देवता हैं कि 33 प्रकार के देवता हैं। इन्होंने कहा कि सबसे बड़े जो है देवता, अगर जो है इस सृष्टि का संचालन जो है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, तो वही है, एक देवता ही काफी है। और ब्रह्मा का जो है दुनिया में कहीं मंदिर नहीं है, तो इसलिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। और जब मंदिर की जरूरत नहीं है, तो पूजा पाठ कराने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो धर्म के नाम पर किसी का शोषण नहीं किया जाएगा और हिंदू धर्म बचा रहेगा। वो दौर था जब हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोगों की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, और पैसे के लालच में या और भी दूसरी प्रकार के जो है लालच दे करके, और हिंदू धर्म का जो गरीब तबका था उसको जो है ईसाई धर्म की तरफ जो है मोल्ड किया जा रहा था, यानी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय के द्वारा ही कराया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, यहां नहीं लिखा है, कहीं लिख लेना, बांग्ला भाषा का व्याकरण लिखा गया था। बांग्ला भाषा का व्याकरण, अगर जो है व्याकरण का मतलब जो होता है ग्रामर, और किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है कब दी गई थी? 1831 में दिया गया। कब दिया गया? 1831 में इनको राजा की उपाधि दी थी। और किसने दिया था? तो आप कहेंगे अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दिया गया था। युगदूत की उपाधि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको युगदूत कहा गया था। वो अलग बात थी कि सुभाष चंद्र बोस इनके जो है बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन आपसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राय राधा नहीं है, राय राया है। राय राया की उपाधि जो है कहां इनको मिली थी? तो जाहिर सी बात थी, उस समय का तत्कालीन जो नवाब था बंगाल का, उसने जो है इनको ये उपाधि दी थी। लंदन की यात्रा इन्होंने जो है लंदन की यात्रा की। कौन? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि पहले ऐसे जो है ये व्यक्ति थे भारत के, जो कि समुद्र के मार्ग से भारत से ब्रिटेन गए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। और किस जहाज से, अगर जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इनका ब्रिटेन जाना हुआ था, तो उस जहाज का नाम था जो है अनविले। क्या नाम था? अनविले से जो है इनकी यात्रा हुई, और ये गए थे कहां पर? लंदन में। कब? 1833 में। और विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित हुए थे। किसके? विलियम चतुर्थ के दरबार में जो है ये उपस्थित हुए। और उसके पीछे उद्देश्य क्या था? अकबर द्वितीय उस समय का जो मुगल बादशाह था, उसकी पेंशन बढ़वाने चले गए थे। इनके जैसा पढ़ा लिखा इंसान उस पकलोल के चक्कर में पड़ गया, और ये बात अंग्रेजों को जो है बुरा लगा। और उसके बाद फिर लंदन से वापस लौट करके राजा राम मोहन राय नहीं आए। उनके मौत का भी जो है रहस्य ही रह गया। और 27 सितंबर वर्ष 1833 को कहा जाता है कि मस्तिष्क ज्वर की वजह से इनका देहांत हुआ। आज भी इनकी समाधि, अगर जो है आपसे पूछे कि इनकी समाधि कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे इनकी समाधि जो है वहीं पर ब्रिस्टल में स्थित है। किस जगह पर? ब्रिस्टल एक जो है जगह होती है, ब्रिस्टल में स्थित है। और सिर्फ इनकी ही समाधि नहीं, वहां पर एक और क्रांतिकारी जिनका नाम था मदनलाल ढींगरा, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 को कर्नल वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके अलावा जनरल डायर को मौत की नींद सुलाने वाले उधम सिंह की भी समाधि यहीं पर स्थित है। धर्म समाज की स्थापना 1830 में, यह इसलिए जो है पूछा जाता है, धर्म समाज 1830 में इसलिए जो है पूछा जाता है क्योंकि धर्म समाज जो है
राधाकांत, राधाकांत के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, राधाकांत राय के द्वारा जो है स्थापित किया गया। और मजे की बात यह थी कि यह जो धर्म समाज की स्थापना थी, धर्म समाज ने ब्रह्म समाज का विरोध किया। राधाकांत, राधाकांत ने कहीं कहीं नाम लिखा होगा राधाकांत देव, एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, सॉरी सती प्रथा का समर्थन किया। राजा राम मोहन सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, जबकि राधाकांत देव जो है उसका समर्थन कर रहे थे। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है, खुल करके राजा राम मोहन राय का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? राधाकांत देव था। या कौन सा वो संगठन था जिसने राजा राम मोहन राय की सती प्रथा का जो है विरोध किया था? यानी राजा राम मोहन राय कह रहे थे कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं सती प्रथा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों का जो है बस यह स्वभाव होता है कि सामने वाला का कुछ भी हो हम विरोध करेंगे, चाहे उसका जो है कथन जायज हो या नजायज हो। तो ये ब्रह्मदेव जो है वही वाले थे, सॉरी राधा देव जो है वही वाले थे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ब्रह्म समाज के उत्तराधिकारी, दरअसल 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मौत हो गई, मैंने अभी बताया कि उनकी समाधि जो है ब्रिस्टल में थी। हालांकि उन्हीं के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही वर्ष 1829 में, कब 1829 में, 1829 में, 1829 में सेक्शन 17 के तहत, धारा 17 के तहत भारत में सती प्रथा का जो है, सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, या यूं कह लो आपकी सती प्रथा को भारत में कानूनन जुर्म कर दिया गया। सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया गया, उसके बाद जो है बॉम्बे, मद्रास और पूरे भारतवर्ष में लाया गया। और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक वो पहला व्यक्ति था, वो पहला गवर्नर जनरल भारत का था जिसने की सती प्रथा का भारत में जो है पूरी तरीके से सफाया कर दिया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। वो अलग बात थी कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए पेशवाओं ने उसके अलावा और भी भारतीय शासकों के द्वारा प्रयास किया गया। गोवा में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त करने का काम पुर्तगालियों ने किया था। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जिसको अल्बुकर्क कहा गया, अल्बुकर्क ने ही गोवा में समाप्त किया था सती प्रथा को। लेकिन पूरे भारतवर्ष में कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयासों से? जी हां, राजा राम मोहन के प्रयासों से। ब्रह्म समाज के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो कहेंगे कि द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागीश। रामचंद्र कौन? विद्या वागीश उत्तराधिकारी हुए। और राजा राम मोहन राय के जो है सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का जो है ये प्रयास किया। द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्ते में दादाजी थे। द्वारकानाथ टैगोर की जब मौत हो गई तो द्वारकानाथ टैगोर की जो है जिम्मेदारी इनके पुत्र थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये जिम्मेदारी को उठाई और ब्रह्म समाज को भारत के अलावा जो है दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंचाने में इन्होंने महती भूमिका निभाई। इनकी एक संस्था थी जिसका नाम था तत्वबोधनी, तत्वरंजनी संस्था। यह कब स्थापित की गई थी? 1839 में। ये किसकी संस्था थी? देवेंद्रनाथ टैगोर का। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी से शानदार काम किया जो है। और तत्वबोधनी संस्था के द्वारा ही एक पत्रिका जारी की जाती थी जिसका नाम था क्या? इस पत्रिका का नाम था तत्वबोधनी पत्रिका। और इसका जो है बस यही उद्देश्य ही था,
लोगों को उनके धर्म के, हिंदू धर्म से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सही और गलत का एहसास कराना, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाखंड है क्या हकीकत है, उसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करना, यह तत्वबोधनी पत्रिका और संस्था का जो है सबसे बड़ा कार्य था। तत्वबोधनी स्कूल भी यह टैगोर परिवार के द्वारा ही जो है शुरू किया गया था। ब्रह्मधर्म नामक इन्होंने, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मधर्म नामक जो है पुस्तक लिखी, और इसमें भी जो है ब्रह्म समाज के पूजा पाठ विधान विधि विधान का इसमें इन्होंने वर्णन किया, ब्रह्मोपासना विधि का वर्णन किया। ब्रह्मोपासना का मतलब कि जो है ब्रह्म की आराधना करने के लिए जो है किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का मंदिर है ही नहीं दुनिया में। आज भी ये बात आप जानते हैं, पुष्कर को छोड़ दिया जाए राजस्थान को, तो इनका कहीं मंदिर नहीं है, और मंदिर नहीं है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठ करके और उनका ध्यान किया वही जगह मंदिर है। आपका मन सबसे बड़ा मंदिर है, अगर आपका मन शुद्ध है और सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करते हैं तो। यह तत्वबोधनी पत्रिका का जो है ये उस समय का प्रयास था, और तत्वबोधनी नामक स्कूल की स्थापना किया, ब्रह्मधर्म नामक पुस्तक और ब्रह्मोपासना विधि का आरंभ किया। 1857 में केशव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन नहीं है ये शब्द जो है, केशव चंद्र सेन है, क्या है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन लीजिए हो गया, केशव चंद्र सेन आचार्य नियुक्त हुए, और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो है संन्यास हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर, वही देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो है पिताजी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है कि 1863 में, कब, 1863 में इन्होंने अपने गांव से बगल में आश्रम की स्थापना की और इन्होंने संन्यास ले लिया। वही आश्रम आगे चलकर के शांति निकेतन के नाम से जाना गया, आज जो बंगाल में स्थित है। इन्होंने संन्यास ले लिया, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के 13वें जो है पुत्र थे, तो उन दिनों की यह परंपरा थी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये संन्यास लिए जरूर, लेकिन उसमें इनका मन लगा नहीं, और नहीं लगेगा भाई, 3 बीबियां हो, 13 बच्चे हो, और उसके बाद अगला संन्यास ले लेने चले तो कहां मन लगेगा, नहीं लगेगा। हुआ क्या, जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने संन्यास लिया, केशव चंद्र सेन जो कि इंडियन मिरर नामक एक जो है समाचार पत्र जारी करते थे, शायद कहीं यहां दिया भी होगा, 1861 से ही इनका समाचार पत्र ये जारी किया जाता था, यह भारत का प्रथम दैनिक पत्र था, अंग्रेजी भाषा में था। हालांकि दैनिक का मतलब जो प्रतिदिन जो है जारी होता था, वरना वो दौर था जब जो है आज की तरह टेक्नोलॉजी वगैरह जो है नहीं विकसित थी, तब साप्ताहिक जो है पत्र जारी किए जाते थे। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन के द्वारा पूछा भी जाता है कि इंडियन मिरर नामक जो है समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप कहेंगे कि केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किया गया था। केशव चंद्र सेन जिनको कि ब्रह्म समाज का उस समय आचार्य नियुक्त कर दिया गया, या यूं कह लीजिए कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जिम्मेदारी इनको सौंप करके और खुद संन्यास ले लिए। इनका ईसाई धर्म के तरफ जो है झुकाव ज्यादा हो गया, ईसाई धर्म के प्रति जो है इनका लगाव ज्यादा हो गया। ये बात जब देवेंद्रनाथ टैगोर को पता चला, तो चूंकि राजा राम मोहन राय ने देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता द्वारिकानाथ टैगोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए ब्रह्म समाज पर पूरा अधिकार टैगोर परिवार का था, और इन्होंने इनको ब्रह्म समाज से अलग कर दिया, यानी ब्रह्म समाज से इनको हटा दिया गया कि तुम ब्रह्म समाज के साथ जुड़ करके और ईसाई धर्म के प्रति लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा कर रहे हो। यानी जाहिर सी बात थी, केशव चंद्र सेन को जो है इस्तेमाल उस समय कुछ ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा जो है किया जा रहा था, इसीलिए ब्रह्म समाज का जो है विघटन हो गया। और ब्रह्म समाज का विघटन हुआ तो
ये जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी ये अलग होकर के और किसकी स्थापना कर ली, तो आप कहेंगे कि केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया आदि ब्रह्म समाज। लेकिन जो मुख्य ब्रह्म समाज था, जो पहले से चल रहा था, उसको तो ऑलरेडी देवेंद्रनाथ टैगोर डील कर ही रहे थे। लेकिन मामला जो है और आगे बढ़ा। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज, जो मूल ब्रह्म समाज था, उससे ज्यादा तरक्की किया। क्यों? क्योंकि आदि ब्रह्म समाज को, जो कि 1866 में जो है अपने अस्तित्व में आया, आदि ब्रह्म समाज को उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा भी जो है प्रश्रय दिया जाता था, और जिसका प्रभाव हुआ कि दक्षिण भारत में वेद समाज, तो बंबई में प्रार्थना समाज, लाहौर में देव समाज, ये आदि ब्रह्म समाज के ही अलग अलग रूप थे जो है स्थापित हुए। और अपने लंदन यात्रा में 1870 में जब ये लंदन की यात्रा में गए, तो करीब जो है 75 व्याख्यान इन्होंने अलग अलग जगहों पर दिया। कौन? केशव चंद्र सेन। और इनका अब जो है लगाव, अब ये खुल्लम खुल्ला जो है ईसाई धर्म के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना शुरू किए, तो जाहिर सी बात थी ईसाई धर्म के लोगों के प्रति इनका चूंकि रवैया अच्छा था, लगाव था, तो ईसाई धर्म का उस समय बोलबाला था, तो अंग्रेजों ने इनको सहयोग किया। और उसी का जो है प्रभाव था कि 1864 में मद्रास में किसकी स्थापना होती है, तो आप कहेंगे वेद समाज की स्थापना श्री धरायलु नायडू ने किया था। सी धरायलु नायडू, ये प्यारे प्यारे नाम आपको जो है मिलेंगे। कहां पर हुआ था? मद्रास में। और वेद समाज को, इस बात को जो है ध्यान रखना कि वेद समाज को दक्षिण भारत का जो है, वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। यानी जो आदि समाज था, आदि ब्रह्म समाज था, वही जो है असली ब्रह्म समाज हो गया, और जो वाकई जो ब्रह्म समाज था, अब उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया था। परमहंस मंडली 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया जाता है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया, बंबई में स्थापित किया गया, और इसका जो है उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। आगे चल करके यही जो प्रार्थना समाज था, आत्माराम पांडुरंग जो थे वो केशव चंद्र सेन के जो है प्रभाव में आए, तो इसका नाम बदल करके प्रार्थना समाज कर दिया। और हम लोगों के यहाँ पूजा करना कहा जाता है, जबकि ईसाई धर्म में उसी को प्रार्थना करना जो है कहा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है कब? तो आप कहेंगे 1867 में। कहाँ पर? जी हाँ, बंबई में। और इसके भी संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके जो है संस्थापक थे। तो आपसे पूछा जाए वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? श्री धरायलु नायडू के द्वारा किया गया। कहां पर? मद्रास में। इसे दक्षिण भारत का वेद जो है ब्रह्म समाज कहा गया। बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना या परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है किया गया था। देव समाज की स्थापना जो है हुआ था 1887 में, किसके द्वारा? शिव नारायण के द्वारा जो है किया गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री इनका पूरा जो है नाम था। और इन्होंने कहा कि इस दुनिया में अगर जो है कुछ करना है तो भगवान भरोसे नहीं, किसी ईश्वर के जो है भरोसे नहीं, बल्कि एक सच्चे गुरु की तलाश करो। अगर आपको अपने जिंदगी में अच्छा गुरु मिल गया जो सही आपका जो है पथ प्रदर्शक करे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने देव समाज की स्थापना किया था। कहां पर किया था? लाहौर में किया था। लाहौर कहां पड़ता है? बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर।
कभी पाकिस्तान की राजधानी लाहौर रही थी, हालांकि कराची भी राजधानी रही, इस्लामाबाद भी अब तो इस्लामाबाद राजधानी है। ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हो गया। पुनः विभाजन कौन क्यों हुआ, पुनः विभाजन के पीछे क्या वजह थे? दरअसल जो केशव चंद्र सेन कहा जाता है कि केशव चंद्र सेन को राजा राम मोहन राय की तरह जो है प्रसिद्धि मिली, किसके वजह से? ब्रह्म समाज की वजह से। हालांकि इनके ब्रह्म समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज था, या उसको अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ द इंडिया जो है नाम दिया था। इनके प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हो गया। ब्रह्म मैरिज एक्ट पास हुआ कब? 1872 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म मैरिज एक्ट जो है पास हुआ। और इसमें ब्रह्म मैरिज एक्ट में जो है किया क्या गया, जिसका जो है खुद प्रयास किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा ही, और इसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या किया गया? बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा जो है बहुविवाह यहां मतलब क्या है, एक से अधिक शादियों को भी जो है प्रतिबंधित किया गया हिंदू धर्म में। लेकिन हुआ क्या, हिंदुस्तान वो देश है जहां जो नियम बनाता है खुद ही नियम तोड़ देता है। भारत में तो दीवारों पर जहां लिखना होता है कि यहां लिखना मना है, वहां पहले लिख दिया जाता है। क्या पहले ही लिख दिया जाता है कि लिखना मना है? केशव चंद्र सेन जो कि बाल विवाह का विरोध करते थे, इन्होंने कई बार अपने व्याख्यान में क्या कहा भी ये बात को कि एक अबोध बालिका का जो है विवाह कर देना यानी माता पिता के द्वारा जो है उसकी हत्या करने के बराबर है। लेकिन उन दिनों वो परंपरा हुआ करती थी, एक व्यक्ति का एक से अधिक जो है शादियां करना, मनुष्य और जानवर में कोई फर्क ही न रहने जैसा है, ये इनके विचार थे। लेकिन हुआ क्या, यही केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी जो है कूचबिहार ये जगह पड़ती है बंगाल में, कूचबिहार के जो है राजा के साथ जो है कर दी। तब जब उस बेटी की जो है उनकी बेटी की उम्र सिर्फ जो है 10 बरस की थी और 30 बरस के राजा के साथ उसकी शादी कर दी गई। यानी जो ये नियम बना रहे थे उसी का जो है इन्होंने उस नियम की ऐसी की तैसी कर दी, धज्जी उड़ा दी। अपनी ही बेटी का जो है इन्होंने बाल विवाह कर दिया और एक से अधिक शादियों का ये विरोधी थे केशव चंद्र सेन, जबकि अपनी बेटी की शादी की जिस राजा के साथ उसकी ऑलरेडी जो है 3-3 शादियां पहले से थी। तो ऐसे ऐसे तो समाज सुधारक निकल गए आगे चल करके। इसीलिए जो इनका आदि ब्रह्म समाज था वो जो है पुनः विघटित हो गया। क्या हो गया? इसीलिए उसका विभाजन हुआ। और जो इनका आदि ब्रह्म समाज था इसीलिए उसका जो है विभाजन हुआ, पुनः विभाजन हुआ कब? तो इसका पुनः वो विभाजन जो है 1875 में होता है और एक नया जो है समाज अपने अस्तित्व में आता है और उसको साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा जाए कि पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में हुआ था और 1866 में अंततोगत्वा जो है आदि ब्रह्म समाज अपने अस्तित्व में आ गया। पहला ब्रह्म समाज धीरे धीरे कुछ दिन के बाद खुद ही समाप्त हो गया था और 1875 में आगे चलकर के साधारण ब्रह्म समाज भी जो है ये आदि ब्रह्म समाज का भी विघटन हो गया तो साधारण ब्रह्म समाज बना। कब? 1878 में, ये ध्यान रखना। और इसका स्थापना किसने किया था? तो आनंद शिव नारायण और आनंद बोस के द्वारा जो है किया गया था। केशव चंद्र सेन का साहित्यिक योगदान भले ही जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन इनकी जब मौत हुई तो मैक्स मूलर, वही मैक्स मूलर
जिसने कहा था कि भारत में जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे, साइबेरिया से, उसने कहा था मैक्स मुलर ने कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खोया है। क्या कहा था कि भारत और भारतीयों ने, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खोया है। ये प्रश्न जो एक प्रश्न के रूप में भी जो है आया था कि मैक्स मुलर ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खोया है। जी हाँ, आचार्य केशव सेन की मृत्यु पर ही कहा था। तत्व कौमुदी 1839 में मैंने बताया था कि सॉरी 1844 में इन्होंने जो है लिखी थी, संवाद कौमुदी नहीं, तत्व कौमुदी की बात कर रहा हूं। ब्रह्म जनमत इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया। इंडियन मैसेंजर संजीवनी इन्हीं की कृति थी। नव्य भारत मॉडर्न रिव्यू, शुभ समाचार, संगत सभा, ये सब के सब जो है साहित्यिक कृति केशव चंद्र सेन से ही संबंधित थी। केशव चंद्र सेन के बाद ब्रह्म समाज भी धीरे धीरे जो है, जो साधारण ब्रह्म समाज था वो अति साधारण हो गया। आगे चल करके दुर्गा राम मनसाराम के द्वारा जो है 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना जो है की गई, यानी उसके जितने भी जो है अब सदस्य थे वो सब के सब स्वतंत्र होते चले गए और अलग अलग संस्थाएं जो है स्थापित करते चले गए। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में किया जाता है और इसका भी जो है, इस संगठन का उद्देश्य ही था मानव सेवा। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। मनसाराम, दुर्गा राम मनसाराम के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सार्वजनिक महासभा की स्थापना महागोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महागोविंद रनाडे के द्वारा किया गया। और महागोविंद रनाडे जिनको पश्चिम का सुकरात, जिनको जो है भारत का सुकरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का सुकरात, या कहीं कहीं लिखा होगा बंबई का सुकरात। अब टेंशन बिल्कुल मत लेना। किसको? महागोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दक्कन एजुकेशन सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1884 में पुणे में किया गया है। दक्कन शिक्षा सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इनके द्वारा जो है पुणे में स्थापित किया जाता है। और आगे चल करके इसी को पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से? पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1893 में, ये डॉक्टर डी के कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया था। डी के कर्वे उसी फर्ग्यूसन कॉलेज में, या कह लो कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाया करते थे। और इन्होंने भी अपना पूरा जीवन विधवा महिलाओं के उत्थान के लिए जो है समर्पित कर दिया। इवन दैट कि डी के कर्वे उन दिनों सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात थी, हालांकि आज भी बहुत बड़ी बात है, और उसके बावजूद भी, अपने घर वालों के विरोध के बावजूद भी इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से शादी कर ली। कौन? डॉक्टर डी के कर्वे। विधवा आश्रम संघ की स्थापना की गई और यहां पर विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर जो है बनाया जाता था, आत्मनिर्भर बनाया जाता था। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? महागोविंद रनाडे ने भी बहुत कुछ किया। दरअसल भारत के जो है उन दिनों की परंपराओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी भी उसके चिता के साथ जो है जल जाती थी। उन दिनों की ये परंपरा थी, हालांकि सिर्फ ये वन साइडेड था। अगर पत्नी की मौत हो जाए तो पति को ये सब फालतू काम नहीं, पति तो जितनी चाहे उतनी शादियां कर ले, लेकिन पति को सती होना जरूरी होता था। पत्नी को आखिर
जब इस पर रोक लगा दी गई तो उस समय के नियमों के अनुसार इन विधवा महिलाओं को न ही पति के घर में रहने दिया जाता था और न ही जो है अपने पिता के घर में। इन विधवा महिलाओं को देखना तक जिनके सामने जो है पड़ जाए तो लोग गालियां देते थे। विधवा महिलाओं को देखना जो है उसको गलत समझा जाता था। तो ऐसी विधवा महिलाओं की संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी, जिनकी जो है स्थिति बद से बदतर हो गई। सती प्रथा को निभाते समय तो वो जो है जल के मर जाती थी, तुरंत मर जाती थी, लेकिन उसके बाद तो जो है रोज तिल तिल करके जो है मरने लगी, खाने खाने दाने दाने को मरने लगी। तो बहुत से ऐसे समाज सुधारक हुए दखन में, यानी आज के महाराष्ट्र वाले बेल्ट में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे हों या डीके कर्वे, जिनको कि आगे चल करके 1800 आजादी के बाद 1958 में इनको भारत रत्न भी दिया गया, आजादी के बाद तक इनका जीवन रहा था, विधवा आश्रम की स्थापना की और उनमें इस आश्रम में महिलाओं को जो है रोजगार परक जो है शिक्षा दी जाती थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में इन्हीं के द्वारा जो है वर्ष 1916 में किया गया था। तो यह रहा था आज सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो है कुछ तथ्य। शेष बातें अगले दिन अगली क्लास में। आप लोग अपने सार्थक कमेंट जो है जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much. Have a nice day. Thanks to all of you.